माता सती के अंग जिस भूमि पर गिरे वह भूमि न केवल पवित्र हुई बल्कि हमारे लिए अटूट आस्था का केंद्र बन गई, एक ऐसी आस्था जो जीवन को नई ऊर्जा शक्ति प्रदान करती है। स्वागत है आप सभी का माता सती के महापीठ कामाख्या मंदिर की पवित्र यात्रा में। ये नीलांचल पर्वत है गुवाहाटी शहर से 7 किलोमीटर दूर और यही है माँ भगवती के महातीर्थ का संरक्षक। इस पर्वत की प्राकृतिक छटा जितनी लुभावनी है उससे कहीं ज्यादा इसका धार्मिक महत्व है। इसकी दैवीय शक्ति का वर्णन हमारे पुराणों में विदित है। इस भूमि पर माँ कामाख्या के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु एवं भगवान शिव का वास माना जाता है। इस पवित्र भूमि पर पहुंचते ही एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास हमें होने लगता है। वातावरण में जैसे असीम शांति व्याप्त हो, जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के संरक्षण में निर्भय हो जाता है, बस वही आभास होता है इस भूमि पर। माता सती के आत्मदाह और उनके शरीर के विखंडन की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी। माता सती एवं भगवान शिव के प्रेम की यह कथा कामाख्या मंदिर परिसर एवं उसके बाहर की दीवारों पर अंकित हैं। ऐसा लगता है मानो ये दीवारें इस करुण कथा को सुना रही हैं। ये दीवारें दिखाती हैं कि किस तरह भगवान शिव माता सती के वियोग में सब कुछ भूल बैठे थे। उनके इस मोह को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए। वही 51 टुकड़े 51 शक्तिपीठ कहलाए। माँ का योनि भाग यहाँ इस पर्वत पर गिरा और उसे ही कामाख्या के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र धाम पर प्रतिदिन हजारों भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर माँ के दर्शनों को आते हैं। माता भगवती के सामने अपनी झोलियां फैलाते हैं और माँ जगत जननी सबकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। मंदिर के बाहर ही यात्रियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। विश्राम करने की, रहने की या फिर स्नान आदि की आवश्यकता यदि आपको हो तो मंदिर के आसपास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंदिर के बाहर माता रानी के श्रृंगार एवं प्रसाद से सजी धजी दुकानें हैं। आप अपनी पसंद का प्रसाद एवं चढ़ावा यहां से ले सकते हैं। कामाख्या मंदिर के आसपास 10 महाविधाओं के मंदिर हैं, जिनमें से सबसे पहला यह महाकाली का मंदिर है। साधना के लिए महाकाली को प्रधान देवी माना जाता है। यह है तारा देवी का मंदिर और साधकों के लिए यह बेहद ही खास स्थान है क्योंकि इन्हें मार्गदर्शन सुरक्षा परम ज्ञान प्रदान करने वाली देवी माना जाता है जो साधकों को मोक्ष की ओर ले जाती है। प्रवेश द्वार के ऊपर एवं अंदर सिंहों से सुसज्जित यह मंदिर कामाख्या माँ का है। कामाख्या माँ का यह मंदिर भारत के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों एवं सर्वाधिक पूजनीय स्थलों में से एक है जहां तांत्रिक साधनाएं भी की जाती हैं। यह पवित्र स्थान हमारे अन्य हिंदू मंदिरों की तरह आक्रमणकारियों से अछूता नहीं रहा, उसे भी आक्रमण का दंश झेलना पड़ा। इस स्थान पर सबसे पहले 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच मंदिर बनाया गया था जिसे 1498 ईस्वी में हुसैन शाह ने तोड़ दिया और उसे पूरी तरह से खंडर में बदल दिया था। मंदिर के स्थान पर बचे तो केवल उसके अवशेष, परंतु माता रानी की कृपा बिहार के कोच वंश के संस्थापक विश्व सैन ने इस स्थान की खोज की और वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर दी। जब उनके पुत्र नारा नारायण ने राजपाट संभाला तो 1565 ईस्वी में
यहाँ पर बंगाल की इस्लामिक शैली में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसे आप देख रहे हैं। उसके बाद अहोम राजाओं ने भी इसके पुनर्निर्माण में अपना योगदान दिया। यही वो गर्भगृह है जहां मां कामाख्या का वास है। मंदिर के भीतरी भाग में एक प्राकृतिक गुफा के भीतर मां कामाख्या विराजमान है। यहां माता की कोई प्रतिमा नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से गुफा के भीतर एक शिला पर मां का योनि भाग स्थित है, जो कि सदैव फूलों से ढका रहता है। प्रकाश के लिए यहां अखंड ज्योत जलती रहती है। साथ ही साथ इस स्थान पर सदैव नमी बनी रहती है। मां के महातीर्थ के स्थान पर एक छोटा सा कुंड है, जिससे निरंतर जलधारा प्रवाहित होती रहती है, और यही है माता रानी का अमूल्य प्रसाद। उस कुंड के जल के स्पर्श को मां का दर्शन और आशीर्वाद माना जाता है। यही विशेषता है इस स्थान की। यहां मां के दर्शन किसी प्रतिमा के रूप में नहीं, बल्कि स्पर्श करके किए जाते हैं, इसलिए इसे स्पर्श दर्शन भी कहा जाता है। इसी गर्भगृह के भीतर माता कमला, जो कि तांत्रिक मां लक्ष्मी है, और माता मातंगी, जो तांत्रिक मां सरस्वती है, उनकी प्रतिमा भी विद्यमान है। जो लोग अपने जीवन में हर तरह से सफल होना चाहते हैं, हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, उन्हें मां मातंगी की साधना जरूर करनी चाहिए। मां मातंगी ऐसे साधकों पर सदा अपनी कृपा बनाई रहती हैं। अब बात करते हैं उन कारणों की, जिनकी वजह से यह मंदिर भारत ही नहीं समूचे विश्व में आस्था का केंद्र बना हुआ है, और पूरी दुनिया भर के लिए यह आश्चर्य का भी केंद्र है, क्योंकि यहाँ माता सती की महामुद्रा है, जिसे माता सती का ही रूप माना जाता है। आदि काल से आज तक उनकी देवी शक्ति, देवी ऊर्जा को यहाँ पर महसूस किया जाता है। प्रतिवर्ष 3 दिनों के लिए माँ मासिक धर्म से होती है। इस दौरान मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, किसी का भी मंदिर के भीतर प्रवेश वर्जित होता है। माँ के कुंड के पास सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है, जो मंदिर खुलने के बाद लाल पाया जाता है, और यही होता है महाप्रसाद, जिसे भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। कहते हैं, जिसे यह वस्त्र मिल गया, समझो उसके सारे बिगड़े काम बन गए। इसे ही अंबुबाची मेला भी कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इन दिनों में पास में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी स्वतः ही लाल हो जाता है। इन दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करना भी वर्जित होता है। माँ कामाख्या को मानने वाले इस बीच जमीन की खुदाई और बुवाई जैसे काम नहीं करते, ना ही वे शंख और घंटी बजाते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं एवं अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं। माता का मासिक धर्म से होना साक्षात रूप से उनका हमारे साथ होना दर्शाता है, साथ साथ यह भी दिखाता है कि स्त्री अपमान की वस्तु नहीं, बल्कि पूजनीय है। वह जननी है और पालक भी। उसके इसी रूप में वह क्षमता होती है जो सुर असुर नर एवं ईश्वर को संसार में लाने में सक्षम होता है। तभी तो दुनिया भर के लोग माँ के इस रूप की पूजा करने यहाँ आते हैं। यही नहीं, यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ महिलाएं अपने मासिक धर्म के दौरान पूजा कर सकती हैं। यहाँ उन्हें अपवित्र नहीं माना जाता। यही कारण है कि आसाम में किसी भी बच्ची के सबसे पहले मासिक धर्म आने पर उसे उत्सव की तरह मनाया जाता है। यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक गढ़ भी है, तंत्र विद्याओं के लिए सर्वोत्तम स्थान। यह स्थान कौलाचार तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। कौलाचार तांत्रिक आचारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें साधक अपने उपासक देवता की सत्ता में स्वयं को डुबा देता है। वह पूर्णता दिव्य हो जाता है और उसकी मानसिक दशा दिव्य भाव से ओतप्रोत हो जाती है। यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में समर्थ होते हैं। हर तरह के काले जादू एवं तंत्र मंत्र का तोड़ यहाँ पाया जाता है।
माँ कामाख्या हर इच्छा की पूर्ति करने वाली देवी हैं। कहते हैं माँ अपने भक्तों की तपस्या एवं प्रार्थना से खुश होकर उनकी हर मनोकामना की पूर्ति करती हैं। फिर चाहे आप अपने करियर को लेकर माँ से प्रार्थना करें, अपने परिवार की खुशहाली माँ से मांगें, अपने वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांगें, या फिर संतान प्राप्ति के उद्देश्य से आप माँ के द्वार पर आएं। माँ सबकी सुनती है, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, तभी तो इन्हें कामाख्या के नाम से जाना जाता है। और तभी तो प्रतिदिन दुनिया भर से हजारों लोग कई घंटों तक लाइन लगाकर माँ के जयकारे लगाते हुए माँ के दर्शनों को लालायत रहते हैं। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं जहां आपको अपार शांति मिले, तो आप कामाख्या जरूर आएं। मंदिर में स्थित सौभाग्य कुंड में स्नान करें और माँ की आराधना करें। आपको यहाँ देवीय ऊर्जा का आभास जरूर होगा। यदि आप पुरुष हैं तो आपको यहाँ माँ जगत जननी की ममता का आभास होगा, और यदि आप महिला हैं तो आप अपने स्त्री रूपी बल और शक्तियों को महसूस करेंगी। अद्भुत और अतुल्य सौंदर्य है इस स्थान का। शब्दों में इसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं, कई घंटों तक लाइन में लगे रहकर खड़े होकर के माँ के दर्शनों का इंतज़ार करते हैं, और उस बीच आप जो अनुभव करते हैं वह अद्वितीय होता है। हजारों की संख्या में आए हुए भक्त यहाँ से भूखे नहीं जाते, बल्कि उनके लिए प्रसाद ग्रहण की बहुत अच्छी व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा की जाती है। एक कूपन लेकर अंदर आना होता है और उसके बाद आप जितना चाहें उतना भोजन कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार ले सकते हैं। तो यह थी हमारी माँ कामाख्या के दर्शनों की यात्रा। आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ कामाख्या।